हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मिस क्रिएटिव। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना ना भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में तो आपको तभी पता चल पाएगा। तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं किसके बारे में है। सो आज की वीडियो है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी के ही एक टॉपिक के बारे में। पिछली बार हमने डिस्कस किए थे प्राइमरी मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, या हम कह सकते हैं प्राइमरी मेथड्स ऑफ स्टडी चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें हमने इंट्रोस्पेक्शन एंड एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड पढ़े थे कि वो क्या होते हैं और उनके अंदर कौन कौन से मेथड्स आते हैं। इस वीडियो में हम सेकेंडरी मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी और सेकेंडरी मेथड्स ऑफ स्टडी चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में एक ही मेथड को कवर करेंगे, बिकॉज पिछली बार वीडियो बहुत लंबी बन गई थी सारे मेथड्स को कवर करने की वजह से। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे टॉपिक जो कि है केस स्टडी को, एंड जो बाकी सारे मेथड्स सेकेंडरी मेथड्स के अंदर आते हैं वो सारे मेथड्स आपको आने वाले वीडियोस में मिल जाएंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं हमारे केस स्टडी मेथड से, जिसको कि हम केस हिस्ट्री भी बोलते हैं। सो द केस स्टडी मेथड इज़ प्राइमरली यूज टू कलेक्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ मालएडजस्टेड एंड डिवियंट केसेस। केस स्टडी मेथड होता क्या है? वैसे हम अगर इसका नाम देखें केस स्टडी, तो इसी से ही हमें पता चल रहा है कि किसी केस की स्टडी करना। और जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे केस क्या है? यहाँ पे केस हमारा इंडिविजुअल पर्सन है, वो बच्चा भी हो सकता है। फिलहाल हम चाइल्ड डेवलपमेंट के मेथड की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम बच्चे को ही कंसीडर करेंगे, लेकिन वो बच्चे के अलावा कोई भी इंडिविजुअल अडल्ट हो सकता है जिसके ऊपर हमने स्टडी करनी है। केस स्टडी मेथड होता क्या है? केस स्टडी मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम किसी भी इंसान के बारे में, फिलहाल बच्चे के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी बच्चे के बारे में जो कि कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेना। अब यहाँ लिखा हुआ है कि माल एडजस्टेड जो बच्चे हैं, जो भी उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं माल एडजस्टेड बच्चों की, उनके प्रॉपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना केस स्टडी मेथड होता है। माल एडजस्टेड वो बच्चे होते हैं जो कि सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, एंड डिवियंट केसेस या डिवियंट बच्चे वो बच्चे होते हैं जो कि किसी ना किसी चीज़ में एट प्रेजेंट टाइम किसी ना किसी चीज़ में लैग बिहाइंड करते हैं, जो कि प्रेजेंट सिचुएशंस के साथ नहीं कॉप अप कर पाते हैं, उन स्टैंडर्ड्स तक नहीं खड़े उतर पाते हैं। तो द माल एडजस्टमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर की, माल एडजस्टमेंट एक एंटी सोशल बिहेवियर की फॉर्म में भी हो सकती है। मतलब कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में बच्चे का बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सोसाइटी या जो एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी की उसके अकॉर्डिंग नहीं है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर बच्चा शो कर रहा है, या फिर कोई इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, और इन द एरिया ऑफ लर्निंग एंड बैकवर्डनेस इन स्कूल सब्जेक्ट्स। कई बार बच्चे क्या होते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं लेकिन उनको सब्जेक्ट समझ में नहीं आते हैं जो उनकी क्लास में पढ़ाए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लर्निंग में या फिर स्कूल सब्जेक्ट्स में बैकवर्डनेस रखते हैं, लैग बिहाइंड होते हैं। वो भी उनके लिए माल एडजस्टमेंट की ही एक क्वालिटी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मैथड, इस मैथड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस मैथड का मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्टडी करना इंडिविजुअल केस को या फिर केसेस ऑफ ग्रुप को। अब यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल बच्चे पे भी स्टडी कर सकते हैं या फिर हम ग्रुप ऑफ बच्चों पे भी स्टडी कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि उनकी प्रॉब्लम है क्या, टू डिटेक्ट एंड डायग्नोज देयर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, एंड हम सजेस्ट कर सकें क्या थेरेप्यूटिक मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए इन देयर एनवायरमेंट। लाइक बच्चा जो है वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है एंड हम उस बच्चे पे केस स्टडी कर रहे हैं, तो जब हम उस पे केस स्टडी कर रहे हैं
तो हम उस बच्चे की डिटेल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट भी तो कर रहे हैं. जब हम उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे तो हम जो रेमेडियल मेजर्स होते हैं कि कैसे हम बच्चे के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वहाँ तक भी हम पहुँचेंगे. और वो मेथड्स, वो मेजर्स बच्चे को मदद करेंगे वापस से अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए एंड माल एडजस्टमेंट को दूर करने के लिए. सो अ केस हिस्ट्री इज़ अ वैल्यूएबल मेथड. केस हिस्ट्री या केस स्टडी एक वैल्यूएबल मेथड है जो सजेस्ट करता है रेमेडियल मेजर्स को फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ माल एडजस्टेड चिल्ड्रन. द कंप्लीट एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ केस, जो कंप्लीट एंड डिटेल्ड स्टडी हम किसी भी बच्चे की करते हैं वो बहुत सारे मेथड्स को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि हम ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, मेडिकल एग्जामिनेशन मेथड भी यूज़ करते हैं और हम बहुत सारे टेस्ट यूज़ करते हैं जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में भी पढ़ेंगे, जो कि इंटेलिजेंसी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर एप्टीट्यूड को मेजर करने वाला टेस्ट, उनके इंटरेस्ट को मेजर करने वाले टेस्ट होते हैं. अब हम बात करते हैं कि गुड केस स्टडी के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. टू अनेबल इट टू सर्व इट्स पर्पस, कि एक केस स्टडी अपना पर्पस सर्व कर सके, फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी फुलफिल्ड. हमें फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा. सो पहला पॉइंट है कि द डाटा ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अबाउट द चाइल्ड. जो भी डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन आप बच्चे के बारे में कलेक्ट कर रहे हो, जो भी डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, मस्ट बी एज कंप्लीट एज पॉसिबल. वो जितना कंप्लीटली आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो बच्चे के बारे में उतना करो, बीच में रुको मत. जितना आप बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो उतना करो, क्योंकि कई बार हम कम इंफॉर्मेशन लेकर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैनिपुलेशंस कर लेते हैं और जिससे रिजल्ट्स जो हैं वो फिर नेगेटिव आते हैं. एंड सेकेंड पॉइंट है कि द डाटा मस्ट बी वैलिड एंड रिलीएबल. डाटा जो आप कलेक्ट कर रहे हो बच्चे के बारे में वो वैलिड एंड रिलीएबल होना चाहिए, अदरवाइज इट विल गिव अ रॉन्ग पिक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड. नहीं तो वो एक बच्चे की रॉन्ग पर्सनैलिटी की पिक्चर आपको देगा. एंड थर्ड है कि द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी ऑथेंटिक. जहाँ से भी आप बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए एंड मस्ट बी प्रॉपरली वेरीफाइड होनी चाहिए बिफोर फाइनली एक्सेप्टिंग इट. पहले आप वेरीफाई कर लो उस इंफॉर्मेशन को कि वो सही है या नहीं है, एंड फिर आप उसको एक्सेप्ट करो. So the fourth point is the case study implies that the record or the information must be collected over a long period of time. जो भी आप केस स्टडी या बच्चे के स्टडी के लिए जो भी आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो या चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हो वो लंबे समय तक के लिए होनी चाहिए और लंबे समय तक आपको उस चीज़ को रिकॉर्ड करते रहना चाहिए, तभी आप करेक्ट कंक्लूजन्स तक पहुंच पाएंगे. And finally, the investigator must be an expert. And finally, जो investigate करने वाला investigator है वो expert होना चाहिए and be trained in the method. अब हम पढ़ेंगे merits of case study method. सबसे पहले इसकी merit है कि it provides quite a deep, intensive and overall investigation of the behavior of the individual in relation to his past and the present. जो केस स्टडी मेथड है वो बच्चे का ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है, जो भी उसके पास्ट से रिलेटेड है एंड प्रेजेंट से रिलेटेड है. नेक्स्ट पॉइंट है कि द मेथड कैन प्ले एन इफेक्टिव रोल इन द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस एंड सब्सिक्वेंट रेमेडियल वर्क, एडजस्टमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम चिल्ड्रन, माल एडजस्टेड और माल अडेप्टिव पर्सनैलिटीज, इमोशनली और सोशली डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल्स, डिलिक्वेंट्स, क्रिमिनल्स और एंटी सोशल पर्सन्स बाय स्टडिंग देम थोरली एज इंडिविजुअल केसेस. अब जो केस स्टडी मेथड है वो एक इफेक्टिव रोल भी प्ले करता है ताकि वो जो भी प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सके, डायग्नोस कर सके, रेमेडियल मेजर्स फाइंड आउट कर सके और बच्चे को एडजस्ट करा सके और रिहैबिलिटेट करा सके जो भी बच्चा है जिसको कोई प्रॉब्लम है, ताकि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ में वापस से अच्छे से एडजस्ट हो जाए. एंड माल एडजस्टेड या फिर माल अडेप्टिव
पर्सनालिटीज़ जो हैं, लाइक जो बच्चे अपने आप को प्रॉपरली सोशली इमोशनली एंड मेंटली एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं सोसाइटी में, उनकी पर्सनालिटीज़ को एनहेंस कर सके इमोशनली एंड सोशली डिस्टर्ब जो बच्चे हैं उनकी हेल्प हो सके, और साथ में डिलीक्वेंट्स जो भी बच्चे होते हैं ना, लाइक क्रिमिनल्स होते हैं या कोई ऐसा क्राइम करते हैं जो कि हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, अनएक्सेप्टेबल होता है, उन सारे बच्चों को, उन सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में केस स्टडी हमारी मदद करती है, और रेमेडियल मेजर्स को फाइंड आउट करने में भी मदद करती है, और उनके एडजस्टमेंट में भी मदद करती है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि इन दिस मैथड ऑफ बिहेवियर स्टडी जो स्कोप है एंड रेंज है इस स्टडी का, वो तो बहुत क्वाइट वाइड है, एंड द इंफॉर्मेशन एंड डाटा जो भी आप कलेक्ट कर रहे हो वो कलेक्ट यहाँ पे फ्रॉम वेरियस पर्सन्स, बहुत सारे पर्सन से, बहुत सारे लोगों से और बहुत सारे सोर्सेस से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. जो बिहेवियरल डाटा है इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड ऑब्जर्वेशन. जब हम ऑब्जर्वेशन को बार बार रिपीट करते हैं तो जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ होता है हम उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड ऑल सच एफर्ट्स मेक द रिज़ल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और स्टडी मोर ऑब्जेक्टिव. और ये सारे एफर्ट्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन की स्टडी के जो रिजल्ट्स आते हैं उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाते हैं, एंड स्टडी को भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, रिलिएबल एंड वैलिड बनाते. सो नेक्स्ट पॉइंट है कि द मैथड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर कलेक्टिंग डाटा ऑन पर्सनल बेसिस. जो केस स्टडी मैथड है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कि जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो हम पर्सनल बेसिस पे कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम पर्सनली कलेक्ट कर रहे हैं बाय सीकिंग पर्सनल इंटरव्यू. यहाँ पे हम पर्सनली बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, गोइंग क्लोज टू द ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा. अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ केस स्टडी मेथड. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो केस स्टडी वर्क है वो क्वाइट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल वर्क है, इसीलिए केस स्टडी में हमें एक ट्रेन्ड वर्कर या इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत पड़ती है. एंड देयर इज़ नीड ऑफ कलेक्टिंग सो मच इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ केस फ्रॉम अ नंबर ऑफ पर्सन और सोर्सेज. और केस स्टडी में हमें बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ता है जो कि उस बच्चे से या उस केस से रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ताकि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सके और हम राइट कंक्लूजन्स पे पहुँच सके. फिर है कि देयर इज़ नो गारंटी फॉर द ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्सेज फॉर द एनालिसिस. इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि ऑब्जेक्टिविटी होगी, मीन्स ऑब्जेक्टिव होगा, रिलायबल होगा रिजल्ट जो आएगा, या इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट कर रहे हो वो वैलिड होगी. इसकी कोई गारंटी नहीं होती है. जो कि इन्फॉर्मेशन आप बहुत सारे सोर्सेस से कलेक्ट करते हो फॉर द एनालिसिस. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ स्टडिंग द बिहेवियर इन अ प्रॉपरली कंट्रोल्ड लेबोरेटरी लाइक सिचुएशंस. इसमें क्या होता है कि हम जो बच्चे का बिहेवियर है उसको स्टडी करने के लिए कोई लेबोरेटरी लाइक सिचुएशंस तो यूज़ नहीं करते हैं, कोई लेबोरेटरी यूज़ नहीं करते हो, या फिर ऐसी कोई सिचुएशंस नहीं क्रिएट की जाती हैं, या ऐसा कोई कंट्रोल्ड सिचुएशंस नहीं होती हैं जो आपके सामने घट रहा होता है, या जो आपको बताया जा रहा होता है उसी के बारे में आप स्टडी करते हो, उसी के बारे में आप जानते हो, और उसी से ही आप बच्चे के बिहेवियर के बारे में भी स्टडी करते हो. नेक्स्ट पॉइंट है कि जो टास्क है ऑफ प्रॉपर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, ड्रॉइंग कंक्लूजन एंड देन हैविंग इट्स प्रॉपर जर्नलाइजेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड टेक्निकल. जैसे कि ये बहुत टेक्निकल वर्क है, टेक्निकल प्रोसेस है, तो जो टास्क है प्रॉपरली चीज़ों को एनालाइज करने का, डाटा को या इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने का, कंक्लूजन्स निकालने का और जर्नलाइज करने का, थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है. एंड एक केस स्टडी
ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे डाली हुई है वो प्रॉपरली एक बच्चे पे की गई है, जिसमें कि बहुत सारे सोर्सेस से और पर्सन से हमने इन्फॉर्मेशन ली थी एंड फिर एक केस स्टडी प्रॉपरली बनाई थी। आप उस केस स्टडी को जा कर के भी देख सकते हैं एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया जाएगा। उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एक केस स्टडी एक्चुअली में होती क्या है और कैसे करी जाती है और क्या क्या पॉइंट्स को हम कवर करते हैं एक प्रॉपर केस स्टडी में। जब आप किसी बच्चे पे केस स्टडी करने जाएंगे प्रॉपरली उसमें सब कुछ बताया गया है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।